गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे एक लेट नाइट अपडेट की, जो कि इंडिया और श्रीलंका सीरीज से रिलेटेड है। इस सीरीज से ठीक पहले जो दो नाम बाहर हो चुके हैं, यानी जो 18 नाम तय किए गए थे कि भाई इस सीरीज का हिस्सा रहेंगे, स्क्वाड का हिस्सा रहेंगे, वो अब घटकर 16 हो गए हैं। दो नाम है, एक नाम दीपक चाहर का है जिसके बारे में आपको जानकारी हमने पहले ही दे दी थी। दूसरा नाम जो कि चौंकाने वाला है काफी, सूर्य कुमार यादव का नाम है। अब उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि तीसरे मैच के दौरान, जो तीसरा T20 था, उस मैच के दौरान उन्हें वो इंजरी हुई, लेकिन बीती रोज वो प्रैक्टिस सेशन में दिखे थे, नेट जो टीम इंडिया ने किया उसका वो हिस्सा थे। लेकिन उसके बाद दरअसल ये खबर आती है कि एक हेयर लाइन फ्रैक्चर है और वो उनके हाथ में है। ये कब हुआ, ये किस दौरान हुआ, इसके बारे में अभी कोई स्पष्टता नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। ये अगेन रिपोर्टेड बाय क्रिकबज है और वहीं पर इस बात को कहा गया है साफ तौर पर। अगर मैं आपको पढ़कर बताऊं, द 31-year-old बैट्समैन हैज सफर्ड अ हेयरलाइन फ्रैक्चर ऑन हिज हैंड एंड बीन डिक्लेयर्ड अनफिट फॉर द व्हाइट बॉल सीरीज, ये साफ तौर पर कहा गया है। इसके आगे जो लिखा गया है, इट रिमेन्स अनक्लियर एज टू वेयर एंड वेन एग्जैक्टली सूर्य कुमार गॉट हर्ट, बट इट्स अंडरस्टूड दैट ही सस्टेन द इंजरी वाइल फील्डिंग इन द थर्ड T20 इंटरनेशनल। तो ये बताया जा रहा है कि तीसरे T20 में फील्डिंग करते हुए उन्हें ये इंजरी हुई वेस्ट इंडीज के खिलाफ 20 फरवरी को ईडन गार्डन में, तो ये बताया गया है। बाकी इसके बाद आपको पता ही है कि सूर्य कुमार यादव मैन ऑफ द मैच भी थे फाइनल के और मैन ऑफ द सीरीज भी थे, ये चीज़ भी साफ की गई है। इसके अलावा दीपक चाहर की इंजरी के बारे में हमने आपको बता ही दिया था, वो एक हैमस्ट्रिंग इंजरी है और उसको लेकर के चीज़ें पहले ही क्लियर हो गई थी। तो रिप्लेसमेंट कोई कॉल नहीं किए जाएंगे, अगेन जो रिपोर्टेड बाय क्रिकबज, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास भरमार है गेंदबाजों की, बुमराह भी वापस आ चुके हैं और कोविड प्रोटोकॉल्स देखते हुए बहुत आसान नहीं होगा बहुत जल्दी सारी की सारी चीज़ों को प्रोवाइड करवा पाना, क्योंकि आपको पता है कि 24 को फिर मैच है और फिर 26 और 27, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, बैक टू बैक दिनों पर, जी 24, 26 और 27 को जो है वो आपके मैचेस हैं। तो अब इंडिया का स्क्वाड, रोहित शर्मा आपको पता था उसमें, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन भी थे, ईशान किशन भी थे, वेंकटेश अय्यर थे, दीपक चाहर का नाम उसमें से अब हट जाता है, सूर्य कुमार यादव का नाम उसमें से हट जाता है, रविंद्र जडेजा, यूजी चहल, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, जसप्रीत बुमराह और आवेश खान, जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन भी हैं। तो ये अब पूरी तरीके से स्क्वाड हो चुका है। सूर्य कुमार यादव की इंजरी को लेकर के जो बात सामने निकल कर आई है, निश्चित तौर पर वो हैरत करने वाली है, क्योंकि उनकी लय इस वक्त पे देखते ही बन रही थी, जिस तरह से वो शॉट्स खेल रहे थे खासतौर पर लास्ट T20 इंटरनेशनल में और पहले वाले मैच में भी उनकी अच्छी इनिंग्स आई थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखते हुए इंतज़ार था कि यहाँ पर भी उन्हें पूरा मौका मिलेगा और वो उसी तरह की फॉर्म को और आगे रखेंगे, बट वो नहीं हो पाएगा। लेट्स सी कि इस पर और ज़्यादा क्लैरिटी आती है तो आपको बताएंगे कि एक्चुअली में कौन सा हाथ है, बैटिंग हैंड है या अदर हैंड है, किस तरीके से है, पूरी की पूरी इंजरी का जो नेचर है वो क्या है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे क्लैरिटी के साथ, BCCI की तरफ से कोई मेडिकल अपडेट आता है। फिलहाल ये रिपोर्टेड बाय क्रिकबज है और जैसा मैंने कहा कि सूर्या को प्रैक्टिस करते हुए बीती शाम देखा गया था, उसके बाद इस चीज़ को लेकर के क्लैरिटी आई थी। हमने अपनी तरफ से भी सूर्य कुमार यादव से पूछने की कोशिश की थी लेकिन अभी तक उन्होंने मैसेज का कोई जवाब दिया नहीं है। तो दीपक चाहर के बारे में जानकारी है और सूर्या से पूछा गया था लेकिन कोई जानकारी मिली नहीं है। तो फिलहाल इस पर दिन चढ़ते हुए कुछ और अपडेट आएगा तो आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दिन भर खबरें आपका इंतज़ार कर रही हैं और 10 बजे एक और इंटरव्यू, जैसा हम लगातार आज आपको इंटरव्यू ला कर दे रहे हैं। रात को आपने तिलक वर्मा से बातचीत देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो वो चेकआउट कर लीजिए, ज़बरदस्त इंटरव्यू है मुंबई इंडियंस के लिए। और इसके साथ साथ जो मनोज ने आपको बताया भी था कि वो कैसे जसप्रीत बुमराह और जोफ्रा आर्चर से किसी एक को चुनने के लिए पूछते हैं और उन्होंने चुना है और ज़बरदस्त विकल्प चुना है, तो वो इंटरव्यू ज़रूर देखिए एंड फिर 10 बजे आपका इंतज़ार एक और इंटरव्यू कर रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।